सो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस भारतीय एडिटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप सभी लोग जानेंगे एमएस वर्ड 2010 के परिचय के बारे में, जिसमें आप सभी को एमएस वर्ड स्टार्ट करना, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर इत्यादि के बारे में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार एंड आप सभी को बताने वाले हैं एमएस वर्ड का उपयोग। तो चलिए हम एमएस वर्ड का उपयोग आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सो दोस्तों, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसमें आप सभी लोग जानेंगे लेटर टाइप करना, रिपोर्ट बनाना, रिज्यूम बनाना एंड फॉन्ट के कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट चेंज के बारे में आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सो दोस्तों, आप सभी को हम बताएंगे एमएस वर्ड को ओपन करना। एमएस वर्ड को ओपन करने के बहुत सारे शॉर्ट तरीके हैं, जिसमें आप सभी को हम शॉर्ट तरीका ही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप सभी को विंडो प्लस आर को टाइप करना है। जैसे ही आप विंडो प्लस आर टाइप करोगे, आपके सामने कमांड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप सभी लोग विन वर्ड टाइप करेंगे। वहाँ पर आप सभी लोग विन वर्ड टाइप करके इंटर करेंगे, तो आपके सामने जो भी एमएस ऑफिस का पैकेज है, वहाँ से आप सभी लोग बहुत ही आसानी से शॉर्टकट के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको विन वर्ड टाइप करके इंटर की को प्रेस करना है, तो आप सभी के सामने एमएस वर्ड 2010 की होम स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप सभी को एमएस वर्ड 2010 के होम स्क्रीन के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को अगर नहीं पता, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से समझाने वाले हैं। एंड सो दोस्तों, सबसे ऊपर की लाइन जो है, जहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट का नेम एंड फाइल का नेम दिखाया जाएगा, उसका नाम है टाइटल बार। जहाँ से थोड़ा नीचे, जहाँ पर आप सभी को नज़र आ रहा है इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस, इसका नाम है मेन्यू बार। जस्ट इसके नीचे जो ये सारे आप सभी को टूल्स नज़र आ रहे हैं, इसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार, जिसके बारे में हम आप सभी को डिटेल बाय डिटेल समझाने वाले हैं, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आप सभी को अच्छे से समझा देंगे। जस्ट उसके नीचे जो हमारा आता है फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसमें आप सभी लोग फॉन्ट की साइज, रिबन, रूलर इत्यादि। जस्ट उसके नीचे की ओर, जहाँ पर आप सभी को 2, 4, 6, 8 का ऑप्शन आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रूलर। रूलर के बारे में आप सभी को भी हम अच्छे से बताने वाले हैं, जो कि आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड दोस्तों, इधर साइड की ओर भी हमारा रूलर ही है, देन यहाँ से आप सभी लोग स्क्रॉल कर सकते हैं, जो हमारी डिज़ाइन है। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से एमएस वर्ड का परिचय, एमएस वर्ड को स्टार्ट करना, स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में आप सभी लोग जाने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम इस छोटे से इंट्रोडक्शन के माध्यम से समाप्त करते हैं। और आप सभी लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड आप सभी के लोगों को अगर वीडियो हमारी पसंद आती हो, तो शेयर कर दीजिए। एंड चलिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।